हमने बीएस के भी दो तीन चैप्टर पढ़ लिए, अकाउंट का बहुत सारा पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है अकाउंट में, अकाउंट में अब हमें क्या पढ़ना है, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रिसिएशन? बहुत सारा इसका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि डिप्रिसिएशन क्या है, क्यों है, हाँ मगर जो भी है बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हमारा ज़्यादा सिलेबस भी नहीं बचा है, जैसे ही हमारा डिप्रिसिएशन कंप्लीट होगा उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होगा, फाइनल अकाउंट और सिंगल एंट्री, ये तीन मेन चैप्टर बचे हैं बस। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इट्स नॉट सो मच जरूरी, और वो इतना सिलेबस में है भी नहीं इस साल, वहाँ के हवे से यहाँ दिक्कत थी और बाहर। चल सो लेट्स स्टार्ट गाइस, है ना। अकाउंट में हमें क्या पढ़ना है, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या है, क्यों है, जो भी है बहुत अच्छी चीज होती है ये, इसको समझते हैं हम, समझ में आने लगे ये चैप्टर जरा जरा। चलो तो डिप्रिसिएशन का डेफिनेशन बहुत बार बता चुका हूं, फिर से बताता हूं, है ना, क्या करें, बताना ही पड़ेगा ना, तुम लोग इतना ऐसे बोलोगे कि पढ़ा दो सर, तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन, सिंपली डिप्रिसिएशन का क्या मतलब है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो वो क्या है, डिप्रिसिएशन है, है ना। यूं भी कह सकते हो कि इफेक्टिव वैल्यू मेजर करने के लिए एसेट्स का, फिक्स्ड एसेट्स का इफेक्टिव वैल्यू मेजर करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज होता है वो क्या है, डिप्रिसिएशन है। पर ऐसा कुछ एग्जाम में लिख दोगे तो मां साहब नाराज हो जाएंगे। या फिर एक और डेफिनेशन बन सकती है डिप्रिसिएशन की, वो डेफिनेशन होती है कि परमानेंट और कंटिन्यूइंग डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू एसर्टेन द क्वालिटी एंड लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट। परमानेंटली किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है कंटिन्यूसली, ताकि उसकी क्वालिटी और उसकी लाइफ का कैलकुलेशन हम कर सकें, तो वो भी क्या है, डिप्रिसिएशन है, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, हम डेफिनेशन जो लिखेंगे वो बहुत सिंपल से डेफिनेशन लिखेंगे, तो लिख लेते हैं। अच्छा, डेफिनेशन लिखने से पहले दो चीजें और, डिप्रिसिएशन जैसी ही चीज होती है, एक हो गया डिप्रिसिएशन, एक होता है एमोर्टाइजेशन। और एक होता है डिप्लेशन, ठीक है। क्या है, डिप्रिसिएशन, डिप्लेशन और एमोर्टाइजेशन। तुम्हारे पास एसेट्स कितने तरह की होती है, तीनों ही डिप्रिसिएशन है, तीनों ही क्या है, डिप्रिसिएशन। बस ये फिक्स्ड एसेट पे लगता है डिप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। एमोर्टाइजेशन मतलब जब हमारी इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है, इनटेंजिबल एसेट्स की जब वैल्यू कम होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एमोर्टाइजेशन। यानी इनटेंजिबल एसेट्स पर जब डिप्रिसिएशन लगता है तो वो क्या कहलाता है, एमोर्टाइजेशन। डिप्लेशन का मतलब है कि जब आपके पास रॉयल्टी वाला काम हो, यानी कोई फिक्स टाइम के लिए कोई आपने जैसे माइंस, खदान किराए पे ले ली, लीच पे ले ली, रेंट पे ले ली, उस पर जो डिप्रिसिएशन लगता है वो क्या कहलाता है, डिप्लेशन कहलाता है। क्यों, क्योंकि जो आपने माइन ली है वो किस लिए ली है, कि कुछ एक्सट्रैक्शन कर सको, एक्सट्रैक्शन करते करते उस खदान को खोदते खोदते धीरे धीरे वहां का जो मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा, उसके बाद खाली खदान बचेगी, फिर उससे कोई लेना देना है क्या,
है ना। तो ये तीनों ही चीजें क्या है, डिप्रिसिएशन है, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स पर जो लगा वो, मतलब फिजिकल एसेट पर जो लगा, फिक्स्ड फिजिकल एसेट पर जो लगा वो क्या है, डिप्रिसिएशन। इनटेंजिबल एसेट्स पर जो लगा वो है एमोर्टाइजेशन। और माइंस वगैरह में रॉयल्टी वाले आइटम पर जो डिप्रिसिएशन लगा वो क्या कहलाता है, डिप्लेशन। ठीक है, अब रीजन ऑफ डिप्रिसिएशन, रीजन ऑफ डिप्रिसिएशन, क्यों, किस वजह से एसेट्स की वैल्यू कम हुई तो आप उसको डिप्रिसिएशन कहोगे। तो पहला रीजन फॉर डेप, एसेट्स की जो वैल्यू कम हुई है उसकी कम होने की वजह क्या होनी चाहिए, वियर एंड टियर कॉस्ट। ठीक है, दूसरा यूज ऑफ एसेट, एसेट को आपने यूज कर लिया। तीसरा इफ्लक्स ऑफ टाइम, इफ्लक्स ऑफ टाइम, समय गुजर गया। आप यूज एंड वियर एंड टियर को एक साथ कर सकते हो, उसके बाद इसको एक ही बना सकते हो, है ना। ये दूसरा और तीसरा एक्सीडेंट, और चौथा ओ बी एस सी ई एल ई एन सी ई एब्सोलेंस, कंबख्त, ओ बी एस ओ, बहुत लोचे वाला काम है, ओ बी एस ओ एल ई एस सी ई एन सी ई एब्सोलेंस। वियर एंड टियर यूज आपने यूज किया, एसेट्स घिस गई, उसकी वैल्यू कम हो गई, डिप्रिसिएशन। इफ्लक्स ऑफ टाइम, आपने एसेट्स खरीद के रख ली फिर भी उसकी वैल्यू कम हो गई, क्यों, क्योंकि वो आउटडेट हो गई, समय गुजर गया, है ना। उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, ऐसी तैसी हो गई एसेट्स की, है ना, वो एक ट्रक इधर से जा रहा था, उसमें लिखा था आन मिलो सजना, और उधर से एक ट्रक आ रहा था, लिखा था आया साजन झूम के, तो बस कहानी खत्म हो गई, दोनों आपस में मिलन हुआ, फिर एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा, तो ये एसेट्स गई। एब्सोलेंस का मतलब है आउट ऑफ ट्रेंड हो चुकी है, चलन से बाहर हो गई हैं ऐसी चीज़ें, 2G मोबाइल फ़ोन, 3G मोबाइल फ़ोन, सिम बैन, ये जो फोन्स आउट ऑफ ट्रेंड हो गए, टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो गई जो अब चलन में नहीं है, वो क्या है, एब्सोलेंस। इनकी वजह से यदि आपकी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो वो क्या कहलाता है, डिप्रिसिएशन। हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन, या फिर अकाउंटिंग ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। जो डिप्रिसिएशन है ना, बहुत बढ़िया चीज होती है, अपना जो यहाँ पे रफ करने का कपड़ा था उसको पता नहीं किन्ने तड़का दिया यार, चोरी किया रे, जिया कर दिया। चलो आगे बढ़े, है ना। अब क्या पढ़ना है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन। पढ़ने से पहले लेट्स डू सम जर्नल एंट्रीज, ओके, कुछ जर्नल एंट्रियां सीख लें। चलो जर्नल एंट्री सीखते हैं। क्या जर्नल एंट्री सीखोगे, देखो जर्नल एंट्री फॉर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग के लिए जर्नल एंट्री क्या बनाओगे। पहली एंट्री फॉर परचेज
ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे तो एंट्री क्या करोगे, नोट करना, परचेज अकाउंट डेबिट लिखोगे क्या? नहीं, गुड्स हम परचेस करते हैं तो परचेज लिखते हैं, जब हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स का नाम लिखते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, टू बैंक और टू क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर को दूसरे शब्दों में आप वेंडर कह सकते हो, वेंडर यानी विक्रेता, ठीक है। कैश है तो ये, चेक से दिया तो ये, और उधारी है तो ये, ठीक है। सर इसमें जीएसटी लगा दिया तो परचेज है, जीएसटी डेबिट हो जाएगा, है ना, ये एंट्री होगी। जो भी एसेट्स को परचेस करने में एक्सपेंसेस होंगे वो सब एसेट्स की कॉस्ट में प्लस हो जाएंगे। दूसरा, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर चार्जिंग डिप्रिसिएशन, चार्जिंग डिप्रिसिएशन, ईयर एंड पर ही डिप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। तो एंट्री क्या करोगे, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस या लॉस है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस या लॉस है ना, तो एंट्री क्या करोगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्यों होती, तो हम क्या करते हैं उसको क्रेडिट, तो टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ठीक है, सिंपल। थर्ड, इफ फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड, यदि फिक्स्ड एसेट्स तुमने बेच दी तो एंट्री क्या करोगे, सोचो, परचेज वाली एंट्री क्या करोगे, पलट दोगे, परचेज वाली एंट्री पलट जाएगी, यानी क्या करोगे, कैश, बैंक या फिर डेटर, उधारी में है तो डेबिट, ठीक है। यहां पर यदि तुमने लॉस में बेचा तो यहां पे क्या जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, लॉस बेचोगे तो लॉस डेबिट होता है। टू, यहां पे मैं स्टार बना देता हूं, इफ एनी, ठीक है, टू फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, फिर टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये तुमने प्रॉफिट में बेच दिया तो प्रॉफिट क्या जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इफ एनी। दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, है ना, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस निकालोगे कैसे, है ना, तो प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, ये कैसे निकालोगे, तो समझो कब होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट कब होगा, जब आपका सेल वैल्यू बड़ी है और WDV छोटी है, यानी कि सेल वैल्यू माइनस WDV, है ना, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। और लॉस के केस में क्या होगा, आपकी सेल वैल्यू छोटी है और WDV बड़ी है, यानी कि WDV माइनस सेल वैल्यू, नीचे तक दिख रहा है क्या, है ना, ये ऐसे लॉस निकलेगा। प्रॉफिट कब निकलेगा, जब सेल वैल्यू बड़ी हो WDV छोटी हो, ठीक, तो दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट है। लॉस का मतलब सेल वैल्यू छोटी है और WDV बड़ी है, तो दोनों का डिफरेंस लॉस है। ये जर्नल एंट्री है, लिख ली क्या। अच्छा, अब एक चीज और,
सर व्हाट डू यू मीन बाय WDV? तो देखो WDV का मतलब होता है रिटेन डाउन वैल्यू। रिटेन डाउन वैल्यू क्या मतलब है? रिटेन डाउन वैल्यू, रिटेन डाउन वैल्यू मतलब कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। जो एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से आज तक का डेप्रिसिएशन हटा दो तो जो वैल्यू बची वो क्या है? WDV है, रिटेन डाउन वैल्यू। ठीक है, यानी जितने में आपने एसेट्स को खरीदा है उसमें से उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो जो बचा वो क्या है? WDV। और WDV बड़ी है, सेल वैल्यू छोटी है मतलब लॉस है, और सेल वैल्यू बड़ी है, WDV छोटी है मतलब प्रॉफिट है। पूरा का पूरा ये आप नोट कर लें। ठीक है, तो आप लोगों ने जर्नल एंट्री देख ली, प्रॉफिट और लॉस की देख ली, अब हमें करना है मेथड्स पर काम। ठीक है, चल देखो मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन के लिए दो मेथड है, एक है SLM और एक दूसरी है WDV। ठीक है, SLM मतलब स्ट्रेट लाइन लाइन मेथड, और WDV मतलब रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड, SLM और WDV, ये शॉर्टकट है नाम SLM और WDV। अब इनके अलग अलग नाम हैं, इसे स्ट्रेट लाइन मेथड को हम बहुत सारे अलग अलग नामों से भी जानते हैं। देयर आर 3-4 मोर नेम्स, मतलब वो मैंने तुम लोगों को बता रखा है ना, क्या क्या बता के रखा है बताओ। तो देखो पता नहीं मेरे को इसमें मिल नहीं रहा है, बट इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या फिर सिर्फ कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसी का नाम होता है स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल कॉस्ट, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। नाम लिख लेना, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, फिर हम बात करें इधर वाली की, WDV की। तो WDV में इसको बोला जाता है डिमिनिशिंग, DBM, डिमिनिशिंग diminishing value method, diminishing balance method। दूसरे शब्दों में इसको कहा जाता है सिर्फ बैलेंस मेथड भी इसको बोलते हैं, बैलेंस मेथड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या है? और भी इसके नाम हैं, चलो बाद में याद आएंगे तो बता दूंगा। ठीक है, अभी नाम मिल नहीं रहा है मेरे को, याद नहीं आ रहा है। बराबर, अभी जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ने से पहले
एक टर्म जो है वो हमको क्लियर करना है। तो देखो दो मेथड तुमने देख ली है ना, स्ट्रेट लाइन और WDB। अब हम पहली मेथड से शुरू करते हैं, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑलवेज। हमेशा तुम किस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे, यानी जो तुम्हारी परचेस प्राइस है, जो तुम्हारी परचेस प्राइस है, हमेशा डेप्रिसिएशन उसी परचेस प्राइस पर लगाओगे। क्लियर है, आगे चलें। एक चीज है ना, ऐसा कह सकते हो कि डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर इज फिक्स्ड फॉर ऑल टाइम। हर साल के लिए जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ना, साल भर का, वो फिक्स रहेगा। साल भर का जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझो, तुमने कॉस्ट ऑफ मशीन है तुम्हारे 10,000 रुपए, ठीक है, डेप्रिसिएशन तुम लगा रहे हो एट द रेट 10%। इसका मतलब तुम डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे, 1000, और ये फिक्स्ड हमेशा 10,000 पर ही 10% निकालना है। इसका मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन फिक्स हो गया 1000। इसका मतलब क्या हो गया, हर साल का डेप्रिसिएशन फिक्स हो गया, साल भर का, फुल ईयर का, है ना। तीसरी चीज ये है, वंस अपॉन अ टाइम वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विल बी जीरो। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कैसे, हर साल 1,000 डिप लगाओगे तो कितने दिन डिप लगाओगे, 10 साल। 10th ईयर में ये मशीन की वैल्यू कितनी बचेगी, जीरो, क्योंकि हर साल 1,000 आप माइनस करते जाओगे डिप्रिसिएशन के नाम से, बराबर। चौथी चीज जो आपको याद रखना है, वो ध्यान देना है परिणम में, है ना। दो चीजें बेटा, लिखा है 10%, लिखा है 10% और लिखा है 10% परिणम। क्या लिखा है 10% और क्या लिखा है 10% परिणाम। कंसीडर टाइम नो, और यहां पे यस। फिर से देखो, यदि परिणाम लगा है, सिर्फ परसेंट लगा है, परिणाम नहीं लिखा, तो तुम टाइम कंसीडर इसमें नहीं करोगे, फ्लैट कैलकुलेशन होगा, जैसे यहां हमने किया 10,000 का 10% 1,000, ठीक है। परिणाम लगा है तो तुम्हें टाइम कंसीडर करना पड़ेगा। फिर जब तुम टाइम कंसीडर करोगे तो इसको ऐसे लिखो, इसके लिए फिक्स्ड एसेट्स पर डिप उतने टाइम का लगेगा जितने टाइम फिक्स्ड एसेट्स यूज होगी बिजनेस में। ठीक है, डेप्रिसिएशन सिर्फ कितने टाइम का लगेगा, जितने टाइम एसेट्स यूज हुई। एग्जांपल के तौर पे, आपका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से शुरू हुआ 2020 से, खत्म होगा 31 मार्च 20, ठीक है। आपने एसेट्स खरीदी 1 जनवरी को 2020 सॉरी 21
यानी यदि परसेंट लगा है तो सीधा फ्लैट कैलकुलेशन करोगे, पर एनम लिखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन सिर्फ 3 मंथ का ही निकलेगा, जनवरी फरवरी और मार्च। यही एसेट्स 1 जनवरी की जगह तुमने 1 अक्टूबर 2020 को खरीद ली तो डिप कितने का लगाओगे, 6 महीने का। यही एसेट्स यदि तुमने 1 जुलाई को खरीद ली तो डिप कितने दिन का लगाओगे, 9 महीने का। यानी पर एनम लगा रहेगा तो तुम इस तरीके से टाइम कंसीडर करोगे कि कब एसेट खरीदी और उसका ईयर एंड कब हुआ, ये ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ पहले साल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर तो पूरे साल भर यूज करोगे, या जिस ईयर खरीदोगे और जिस ईयर बेचोगे उस साल आपको ध्यान रखना है पर एनम में कि एसेट सिर्फ उतने दिन का डिप्रिसिएशन लगेगा जितने दिन एसेट्स आपने यूज की, ठीक है। मजाक में समझना है तो ऐसे समझो, हटा दूं अब इसको, तुम्हारी कहीं सेटिंग हो गई, अब तुम एक दूसरे को ट्रीट कब तक दोगे, खर्चे कब तक करोगे एक दूसरे पे, जब तक सेटिंग चलती रहेगी, सेटिंग बिगड़ गई ट्रीटमेंट खत्म, खर्चे कब तक करोगे, जब तक सेटिंग बराबर चलती रहेगी ना, बस इसका ऐसे ही है। जब खरीदोगे तब से लेके ईयर एंड, जिस दिन बेच दोगे उस दिन से डिप्रिसिएशन लगाओगे क्या, नहीं, बस ऐसे ही ध्यान रखना। चले आगे बढ़े, अब हम आगे देखते हैं SLM मेथड के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक हमें फार्मूला पढ़ना है और फॉर्मेट देखना है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट का, बस हम इतना करके क्लास की छुट्टी कर देंगे आज, बाकी का काम कल। तुम्हें मैंने जर्नल सिखाई है ना, जर्नल से लेजर पोस्टिंग आती है, जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग आती क्या है, जर्नल से लेजर बना लेते हो ना बस, तो फिर कुछ नहीं करना, फिर टेंशन लेने का नहीं। कोई ग्राफ का बात करे तो ऐसा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन मेथड में, डिप्रिसिएशन का फिक्स अमाउंट का डिप लगेगा हर साल, ठीक है। फार्मूला करोगे डिप अमाउंट, कितना डिप लगा, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू का क्या मतलब है, स्क्रैप वैल्यू को दूसरे शब्दों में कभी कभी सॉल्वेज वैल्यू भी लिखा जाएगा, ठीक है। देखो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट जितने में आपने एसेट्स को खरीदी माइनस स्क्रैप वैल्यू, यानी एसेट्स की लाइफ के अंत में, आप किताब खरीदते हो साल भर पढ़ते हो फिर अटाले वाले को बेच देते हो तो भंगार वाला आपको जो पैसे देके जाता है वो सॉल्वेज वैल्यू है। कूलर खरीदा खूब मजे लिए गर्मी में, जुलाई में बेच दिया, खराब हो गया तो बेच दिया, तो अटाले वाला जो कीमत देके गया दैट इज व्हाट, दैट इज सॉल्वेज वैल्यू, ओके। एंड यूजफुल लाइफ जितने दिन होगी, क्वेश्चन में सब कुछ गिवेन होता है, जो नहीं है उसकी फिक्र करना ही नहीं। मान लो सॉल्वेज वैल्यू नहीं दी ना तो ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ डिप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। दोनों सॉल्वेज वैल्यू बोलो या स्क्रैप वैल्यू बोलो एक ही बात है, अलग अलग नाम है, वो बताता हूँ ना तुमको, लाल पीले नीले हरे, है ना, बाबू वाला का कॉन्सेप्ट है यहाँ। अब ये तो तुम्हारा हो गया डिप्रिसिएशन अमाउंट निकालने का, कभी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालना हुआ तो, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालना हुआ तो फार्मूला क्या लगाओगे, डेप अमाउंट
वो जो तुमने ऊपर निकाला, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बुक में नहीं मिलेगा, आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले नोट कर लो। डिप्रिसिएशन अमाउंट कैसे निकालोगे? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस एक चीज और इसमें कर सकते हो, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ऑन फिक्स्ड एसेट। मतलब फिक्स्ड एसेट्स को खरीद के दुकान में ला करके उसको इंस्टॉल करने तक का जो खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। मशीन को जो इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉलेशन तक का जो खर्चा आएगा, यूजेबल कंडीशन में लाने तक के जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी इसमें ओरिजिनल कॉस्ट में प्लस हो जाएंगे। ये दोनों प्लस कर लो, माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू, यहाँ से डिवाइड कर दो, तुम्हारा डेप अमाउंट आ जाएगा। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका, डेप अमाउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। और ओरिजिनल कॉस्ट का हमेशा मतलब याद रखना कि ये उसमें प्लस रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन फिक्स्ड एसेट्स हमेशा प्लस रहेगा। आगे बढ़े, लिख लो। बस अब हमें जो करना है वो करना है फॉर्मेट ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, टू बैंक या कैश, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस इफ एनी, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, स्टार बना दिया इफ एनी, यदि कोई है तो, बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। बस टोटल ये फॉर्मेट है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट का। क्या कहता है सावन? एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, अच्छा ये तो लिख नहीं रहेगा, डेबिट साइड क्रेडिट फिक्स है। 5 साल का अकाउंट बनाना है ना आपको, तो 5 बार ऐसा कैसा छापना है, क्या समझे? 3 साल का बनाना है ना, एज इट इज 3 बार छापना है इसके नीचे कंटिन्यूटी में। हाँ, इसमें से जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर बार ये मिले, ये और ये तुम्हारे पास हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है।
ये तब होंगे जब होगा, अदरवाइज ओपनिंग बैलेंस, परचेस, डिप्रिसिएशन, बैलेंस सीडी, इतने से काम हो जाएगा। बस ये है कि चार साल का बनाना है तो इसको चार साल तक कंटिन्यू खींचना पड़ेगा, कैसे वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, खुशी आई थोड़ा सा, मोटे छोड़ तो सही एक बार। क्लियर है क्या? देखो, परचेस करोगे डेबिट साइड, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, यदि प्रॉफिट पर बेच दिया तो जो प्रॉफिट है वो डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड, सेल करोगे तो सेल वैल्यू क्रेडिट साइड, लॉस में बेचा है तो लॉस क्रेडिट साइड, और बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस भी क्रेडिट साइड। ठीक, यहां से ये खत्म हो जाता है। कल से हम इसका जंग लड़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से। अच्छा, ये जो फॉर्मेट है, ये चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो, चाहे WDB मेथड हो, मेथड कोई भी हो, फॉर्मेट यही बनता है। ठीक है, खत्म करें मित्रों, धन्यवाद दें आपको। हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, है ना, और क्या कर सकते हो, कमेंट करो, अच्छी सी कमेंट लिखना, पर ऐसा फालतू कुछ भी मत लिखना, है ना।